बोट का ब्रेक और बूस्ट एक साथ दबाओ, रिजल्ट बोट जमीन पर चलेगी। निम्बस आइलैंड से आप नीचे आओगे तो आई बटन वर्क नहीं करेगा। 40 गोली में आप बाइक को फोड़ सकते हो। 1.9 अपडेट आने के बाद अगर हम हाई लोकेशन से फुल एचपी में गिरते हैं तो मर जाएंगे। गाइज अरीना असॉल्ट मोड की जो मिस है वो कमेंट कर दीजिए, कल स्पेशल वीडियो आएगी ठीक है, जिसमें सिर्फ अरीना असॉल्ट मोड के मिस होंगे। मिथ 1, स्टेप 1 एक स्पाइक ट्रैप लो, स्टेप 2 एक माउंटेन बाइक खोजो, स्टेप 3 अब स्पाइक ट्रैप जमीन में लगा दो, फिर उसके ऊपर से साइकिल को ले जाओ, रिजल्ट ऐसा करने से माउंटेन बाइक का टायर पंचर हो जाएगा। अच्छा चलिए करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए स्पाइक ट्रैप जमीन में लगा दिया है, चलिए अब इसके ऊपर से साइकिल ले जाकर देखते हैं। अरे नहीं यार, ये साइकिल का टायर तो पंचर ही नहीं हुआ। थैंक्स टू सीएट पंचर सेफ की रीजन टेक्नोलॉजी, जो छेद होने के बाद भी हवा निकलने ना दे। इसका मतलब ये है कि ये वाला मेथ बस्टर्ड है। स्टेप 1 एक साइकिल लो, स्टेप 2 अब आप साइकिल के ऊपर बैठ जाओ, स्टेप 3 अब एक ग्रेनेड साइकिल के ऊपर फेंक दो, रिजल्ट ऐसा करने से आपको डैमेज नहीं होगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। ओहो ऐसा है, चलिए देखते हैं। अरे नहीं यार, ये तो हमें डैमेज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मेथ बस्टर्ड निकला ब्रो। जब आप हवा में रहोगे तो आपको मूव होकर निम्बस आइलैंड के बाहर आ जाना है। उफ़ क्या होगा, इससे आपका निम्बस आइलैंड का लूट बच जाएगा। अच्छा जी ऐसा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम हवा में आ गए हैं, अब निम्बस आइलैंड के बाहर चल के देखते हैं। हे भाई मेरा पाथ छूट जाएगा, भाई भाई मुझे नीचे उतार भाई। अरे हाँ भाई, यहाँ तो हमारा लूट बचा रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला मिथ कंफर्मड है, ऐसा करके आप भी अपने लूट बचा सकते हैं। तो भाई इस मिथ के लिए लाइक तो बनता है। स्टेप 1 निम्बस आइलैंड पर आप एनिमी को मारो, स्टेप 2 अब एनिमी के डिब्बे से उसका आउटफिट उठा लो, आप उसे पहन सकते हो। अच्छा जी ऐसा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे एनिमी को मार दिया है, अब चलिए आउटफिट उठाकर देखते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ तो हम आउटफिट उठा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ बस्टर्ड है ब्रो। स्टेप 1 स्प्रिंट योर कैरेक्टर, स्टेप 2 जल्दी से जल्दी आप प्रॉन बटन को दबाओ, रिजल्ट ऐसा करने से आपका कैरेक्टर फनी मूव करेगा। अच्छा ऐसा है, चलिए करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने स्प्रिंट बटन दबा दिया है, अब प्रॉन बटन दबा के देखते हैं। अरे नहीं यार, ये तो फनी मूव कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला मिथ बस्टर्ड निकला। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट मिथ को। स्टेप 1 एक स्नाइपर लो, स्टेप 2 एम को एनिमी के हेड पर रखो, स्टेप 3 अब एनिमी को बोलो एमोट्स करने को और आप उसके हेड पर एम करके फायर करो, रिजल्ट ऐसा करने से एनिमी हेडशॉट से मरेगा या फिर बॉडी शॉट से। अच्छा चलिए करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एनिमी को एमोट करने को बोल दिया है। अरे भाई इसमें तो हेडशॉट और बॉडी शॉट दोनों लग रहा है, पर ज्यादा बॉडी शॉट ही लग रहा है। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके, ये मिथ कंफर्म है या बस्टेड। निम्बस आइलैंड से आप नीचे आओगे तो आई बटन वर्क नहीं करेगा। ओहो ऐसा है, चलिए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम जंप कर गए हैं, अब देखते हैं कि हमारा आई बटन वर्क कर रहा है या नहीं। अरे नहीं भाई, ये मिथ तो बस्टेड है, यहाँ पे हमारा आई बटन वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये मिथ्स पता है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। स्टेप 1 निम्बस आइलैंड पर जाओ, स्टेप 2 फिर नीचे आओ, स्टेप 3 अब नीचे आने के बाद मर जाओ, स्टेप 4 अब अपने टीममेट को स्पेक्टेट करो, रिजल्ट ऐसा करने पर भी आपको शॉपिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। ओहो ऐसा है क्या, चलिए करके देखते हैं। तो भाई देखिए हम आ चुके हैं निम्बस आइलैंड पर, अब यहाँ से कुछ कॉइन्स लेकर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम नीचे भी आ चुके हैं, अब चलिए मर जाते हैं और देखते हैं कि हमें शॉपिंग ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। अरे हाँ दोस्तों, हमें तो यहाँ पे शॉपिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये कि भाई ये वाला मिथ सच है। अब गाइस अगर आप आने वाले एक्सूट को फ्री में खरीदना चाहते हैं तो भाई आप लोग थोड़ी सी मेहनत से ले सकते हैं। आप विंजो ऐप की मदद से न्यू एक्सूट खरीद सकते हैं। कैसे, अरे भाई गेम्स खेलकर या फिर BGMI के फ्री टूर्नामेंट खेलकर। जी हाँ, फ्री टूर्नामेंट खेलकर पर किल पे 40 रुपए तक मिलते हैं विंजो में। 100 से ज्यादा गेम्स हैं। और अभी आपने टीवी पर विंजो का एड देखा होगा जिसमें महान क्रिकेटर हमारे धोनी सर थे। भाई मैं तो सिर्फ विंजो को ही ट्रस्टेड गेमिंग ऐप मानता हूँ, जिसमें से मैं खुद भी पैसे जीतता हूँ और इसलिए आपको भी रेफर करता हूँ। इसमें रेफर और अर्न भी होता है, 40 रुपीज पर रेफर के मिलेंगे आपको। कमाल की बात बताऊं तो आप में से 100 लकी लोग अगर अभी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे ना तो 5,000 रुपए तक का बोनस कैश आपको मिल सकता है। जी हाँ, पैसे विड्रॉ देखिए पेटीएम या बैंक में 1 सेकंड में ही हो जाते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहता दूसरे ऐप्स की तरह, सब कुछ भाई इंस्टेंट होता है। तो मेरी जान फटाफट से डाउनलोड कीजिए विंजो और खरीदिए आने वाला एक्सूट एकदम फ्री। स्टेप 1 साइकिल को एनिमी के डिब्बे से उठाओ, रिजल्ट ऐसा करने से हमारे साइकिल बैग में स्पेस नहीं लेगा। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने एनिमी को मार दिया है और अब उसके डिब्बे में से साइकिल उठाकर देखते हैं। अरे हाँ भाई, ये तो सच में एनिमी के डिब्बे में से उठने पर हमारे बैग में स्पेस नहीं ले रहा है। स्टेप 1, चेयर पार्क में जाओ। स्टेप 2, व्यूइंग पॉइंट एरिया पर जाओ। स्टेप 3, वहां से ट्री की तरफ जंप कर दो। रिजल्ट, आप हवा में चलने लग जाओगे। अरे भाई साहब, ये तो काफी खतरनाक मत लग रहा है, चलिए इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो भाई हम यहाँ चेयर पार्क में व्यू पॉइंट एरिया पर आ गए हैं, अब यहाँ से जंप करके देखते हैं। अरे हाँ भाई, यहाँ तो हम हवा में चल रहे हैं, ये उम्मीद भी 100% सच है। स्टेप 1, पिरामिड वाले निम्बस आइलैंड पर जाओ। स्टेप 2, अब जंपर ढूंढो। स्टेप 3, अब प्रोन होकर जंपर के पास साइड से लेट कर जाओ। रिजल्ट, अब प्रोन होकर ही थोड़ी देर हवा में रहोगे। अच्छा चलिए करके देखते हैं। तो भाई हम यहाँ पे प्रोन हो गए हैं और अब जंपर पर जाकर देखते हैं कि क्या होता है। अरे हाँ दोस्तों, हम तो थोड़ी देर हवा में प्रोन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ कंफर्म है। वही देखिए, अगर आपको मिथ्स पता है तो कमेंट में मेरे संग शेयर कीजिए, ठीक है। नए अपडेट में आप एनिमी के डिब्बे से कॉइंस नहीं लूट सकते। अच्छा जी, ऐसे भी अपडेट आया क्या, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे कॉइंस चेक कर लेते हैं। अब चलिए हम अपने एनिमी को मार देते हैं और देखते हैं कि हम कॉइंस उठा पाते हैं या नहीं। अरे हाँ भाई, यहाँ तो हम एनिमी के डिब्बे से कॉइन उठा ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैच कंफर्म्ड है। 1.9 अपडेट आने के बाद अगर हम हाई लोकेशन से फुल एचपी में गिरते हैं तो मर जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम नोवो के पास सबसे ऊंची जगह पर हैं। अब हम यहाँ से जंप करके देखते हैं। अरे हाँ भैया, ये मिथ तो बिल्कुल सच निकला, अब हम जंप करते हैं तो मर जाते हैं, ये मिथ भी भाई कंफर्म है। स्टेप 1, एरेंगल लगाओ। स्टेप 2, अब एनिमी को पॉइंट से 3-4 बार मारो। स्टेप 3, अब आप उसे नॉक किए बिना फिनिश हो जाओ। स्टेप 4, जब आप एग्जिट करोगे तो डैमेज देखो, वहां पर फर्स्ट की जगह M24 का आइकॉन शो होगा। ये तो सुनने में देखिए काफी मजेदार लग रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। भाई यहाँ पे अपने एनिमी को 2-3 बार मार दिया है, अब मर जाते हैं और डैमेज स्टैट्स में देखते हैं कि कौन सी गन दिख रही है। और यहाँ पर देखिए दूसरा ही वेपन दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाला मिथ बस्टर्ड है। 40 गोली में आप बाइक को फोड़ सकते हो। ओ भाई साहब, चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि बाइक फोड़ने में कितनी बुलेट्स लग रही हैं। अरे नहीं भाई, बाइक तो 25 बुलेट्स में फूट जा रही है। आप साइकिल को कहीं भी घर में या फिर टेरेस पर बना सकते हो। ओ, ऐसा है क्या, चलिए इसको करके देखते हैं। अरे हाँ भाई, ये तो हम कहीं भी बना सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। स्टेप 1, अगर आप साइकिल को स्टेबलर या क्वेरी से उठाओगे तो वो साइकिल आपके बैग में शो होगी। स्टेप 2, लेकिन वही साइकिल अगर आप घर में से उठाओगे तो वो बैग में शो नहीं होगी। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। तो भाई पहले हम यहाँ पे स्टेबलर से साइकिल उठाते हैं और देखते हैं कि बैग में शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो भैया ये साइकिल हमारे बैग में शो हो रही है, चलिए अब कहीं घर से उठाकर देखते हैं। अरे हाँ भाई, अगर हमें साइकिल घर में मिलती है ना तो वो बैग में शो नहीं होती है, इसका मतलब ये कि इन भाई साहब का मैथ कंफर्म्ड है। स्टेबलर या क्वेरी पर जाओ। स्टेप 2, साइकिल उठाओ। स्टेप 3, साइकिल उठा लेने के बाद वह और साइकिल स्पॉन होगी। अच्छा जी चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, चलिए अब साइकिल उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ वापस से साइकिल स्पॉन होती है या नहीं। अरे नहीं यार, ये में तो बस्टर्ड निकला, यहाँ तो साइकिल स्पॉन ही नहीं हो रही है। अगर आप चिकन लेते हो और आपका कैरेक्टर हैंड अप करके स्टैच्यू बनाएगा तो आप हैंड अप करके जंप करेंगे। अरे भाई ये तो काफी मजेदार लग रहा है सुनने में, चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम स्टैच्यू बिल्ड करते हैं और देखते हैं जंप करके कि हमारा कैरेक्टर कैसे जंप करता है। अरे हाँ दोस्तों, ये तो सच में हैंड अप करके जंप कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाला मिथ तो कंफर्म है। स्टेप 1, बोट का ब्रेक और बूस्ट एक साथ दबाओ। रिजल्ट, बोट चलेगी। स्टेप 2, अब आप ऐसी जमीन पकड़िए, बोट जमीन पर चलेगी। अच्छा चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम पानी में ट्राई करके देखते हैं। अरे भाई ये तो पानी में चल रही है, अब जमीन पकड़ के देखते हैं। अरे नहीं यार, ये तो जमीन पर चल ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ बस्टर्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग मिथ्स पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।